Okay, now come to sociolinguistics. Clear? Now listen to me very carefully, because अब तक तो हम वो सिर्फ पढ़ रहे थे कि linguistics क्या है और linguistics का sociolinguistics के साथ क्या connection है. Okay, so we discussed pure linguistics and applied linguistics. Now sociolinguistics is actually the field of applied linguistics. Clear? So. Yes, sir. Okay, so sociolinguistics, how do we define sociolinguistics? हम वो डिटेल में बाद में करेंगे. आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू टुडे दैट sociolinguistics, what is the nature of sociolinguistics, what is the range of sociolinguistics, what is the scope of sociolinguistics, and how sociolinguistics is interdisciplinary field. Clear? So basically sociolinguistics is the study of language in relation to society. ए लैंग्वेज का सोसाइटी के साथ क्या कनेक्शन है. क्लियर? अब आप इस बात पर गौर करें कि लैंग्वेज का सोसाइटी के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है. ओके, आई विल गिव यू, देयर आर डिफरेंट यू नो सोशल फैक्टर्स. वो सोशल फैक्टर्स जो है ना, दैट अफेक्ट्स आवर लैंग्वेज. वो जितने भी हमारे सोसाइटी में डिफरेंट फैक्टर्स हैं, उनका लैंग्वेज पे क्या असरात है, हम लैंग्वेज किस तरह वो हमारे लैंग्वेज में वेरिएशन लाता है, डिफरेंस लाता है. फॉर एग्जांपल, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूँ. एग्जांपल ये कि फॉर एग्जांपल आप लोगों के जो नाम है, किसी का अहमद नाम है, किसी का उसामा नाम है, किसी का अयाज नाम है, किसी का आजम नाम है. सो यू हैव डिफरेंट नेम्स. क्लियर? अब यू पीपल टेल मी के सब लोग सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, सब लोग आप लोगों को इसी नाम से पुकारते नहीं? ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसको कोई जो है ना सोसाइटी में डिफरेंट रोल्स होते हैं, तो उसको फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ फादर, सो आपके बच्चे आप लोगों को अब्बू पापा डैडी बाबा वगैरह ये नाम पुकारते हैं. इसी तरह और भी लोग होंगे तो कोई किसी को रोदादा काका वगैरह पुकारते हैं. ठीक है. और जो फ्रेंड्स हैं तो फ्रेंड्स डिफरेंट नाम से पुकारते हैं. इसी तरह इफ़ यू आर अ टीचर, सो स्टूडेंट सर या मैडम वगैरह ये नामों से पुकारते हैं. इसी तरह योर सिस्टर एंड सिबलिंग्स, वो भैया रोजान वगैरह वगैरह. इफ देयर इज अ फीमेल, सो बाजी आफी वगैरह इन नामों से पुकारते हैं. सो व्हाट आर द रीजंस व्हाई द पीपल कॉल यू बाय डिफरेंट नेम्स? तो ये सोशल फैक्टर्स हैं. इन सोशल फैक्टर्स की वजह से लोग आप लोगों को डिफरेंट नाम्स मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं. सो दिस इज एक्चुअली What we will study in sociolinguistics. के sociolinguistics में हम ये चीजें पढ़ेंगे. Clear? Now see, sociolinguistics का ये पाकिस्तान में कितने languages हैं? मुख्तलिफ languages हैं ना. Okay? But let's take example of Pashto. हम Pashto की example ले लेते हैं. कि देखो, पाकिस्तान में मुख्तलिफ लोग रहते हैं, मुख्तलिफ कल्चर के लोग रहते हैं, और there are different societies. ओके, सो पश्तून सोसाइटी एंड पश्तून कल्चर हम ले लेते हैं. सो फॉर एग्जांपल पश्तो लैंग्वेज. सो पश्तो लैंग्वेज, अब देयर आर टू डायलेक्ट्स ऑफ पश्तो. क्लियर? देयर इज यूसुफ़ज़ई डायलेक्ट एंड देयर इज कंदहारी डायलेक्ट. अब कंदहारी डायलेक्ट और यूसुफ़ज़ई डायलेक्ट, दे आर यू नो टू अ लार्ज एक्सटेंट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं. ठीक है. समटाइम्स यू नो व्हेन वी कम्युनिकेट टू दोज पीपल, सो वी डोंट अंडरस्टैंड देम. कभी कभार इस तरह होता है हम जब वजीरिस्तान के जब लोग पश्तो बोलते हैं तो हमको समझ नहीं आती, या जो बलूचिस्तान के पश्तून हैं उनकी जब हम उनसे बातें करते हैं तो हमें समझ नहीं आती, या अफगानिस्तान के जो लोग पश्तो बोलते हैं तो बहुत सी दफ़ा इस तरह होता है कि हमको उनकी पश्तो समझ नहीं आती. ठीक है. आर यू गेटिंग मी? यस सर. ओके, सो नाउ यस सर. ओके, नाउ व्हाट आर द रीजंस?
क्या इनकी वजूहत क्या है कि हमको ये जो वजीर है या ये जो अफगानी है या ये जो बलूची है उनकी पश्तो हमें समझ क्यों नहीं आती, व्हाट आर द रीजंस? सो देर आर सोशल फैक्टर्स, और ये सोशल फैक्टर्स हम सोशियोलिंग्विस्टिक्स में पढ़ेंगे कि इन ये जो डिफरेंट वेराइटीज है, ये जो पश्तो में डिफरेंट वेरिएशंस है, ये क्यों है और किस लिए है। ठीक है, तो एक एक ये बात हो गई। ठीक है, फिर अब ये है कि एक ये तो डायलेक्ट है, अब एक डायलेक्ट होता है, एक एक्सेंट होता है। तो डायलेक्ट जो है ना, उसमें आप लोगों ने शायद ये पढ़ा होगा कि डायलेक्ट में वोकैबुलरी चेंज होती है, उसमें ग्रामर चेंज हो